एंड हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग प्यारी सी सब के साथ। गाइस फाइनली कल मैं देहरादून से घर आ गया था और घर आने के बाद रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा है यहाँ का मौसम जो कि देहरादून से बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। गाइस आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पूरे 6 महीने बाद आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों इन 6 महीनों में मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है। गाइस आप लोगों में से कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था, तो उन्होंने मेरे से 4 क्वेश्चन किए थे कि आप आजकल कहाँ हो और क्या कर रहे हो और आपका आगे का प्लान क्या है। तो वो सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इससे पहले जैसा आप जानते होंगे कि मेरी फैमिली देहरादून में रहती है, तो मैं उन्हीं के साथ देहरादून में रहा था। और सेकेंड क्वेश्चन है कि वहाँ पर मैं क्या कर रहा था, तो वहाँ पर कर रहा था मैं वर्कशॉप में जॉब जो कि रायपुर में था, तो मैं डेली करनपुर से रायपुर के लिए जाता था। गाइस तीसरा क्वेश्चन ये था कि आप आजकल व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो उसका रीज़न ये था कि मैं रायपुर में 6 महीने तक मैंने जॉब करी और जॉब में आप जानते होंगे जितना भी टाइम रहता है पूरा जॉब में ही निकल जाता है। और सुबह 8 बजे निकलता था मैं रूम से और फिर रूम पर वापस आते आते शाम की 8 बजाती थी, और ऐसे ही मेरा डेली का रूटीन था। तो इस वजह से मुझे व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है। दोस्तों अब है चौथा क्वेश्चन कि आपका आगे का प्लान क्या है। तो गाइस मेरा आगे का प्लान ये है कि जब मैं देहरादून में काम कर रहा वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो वो गर्मी मेरी बॉडी को सूट नहीं हो पाया और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो जिस वजह से फिर मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा और मैं वापस गांव आ गया। क्योंकि यार सबसे पहले आदमी की तबीयत ही होती है, और अगर तबीयत सही रहेगी तो सब कुछ सही रहता है, और अगर मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाता है, इसी वजह से मुझे गाँव आना पड़ा। और दोस्तों साथ ही मैंने ये सोचा है कि अब मैं आगे 3-4 महीने तक रेस्ट लूँगा और ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करता रहूँगा। लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। और बाकी चैनल पे न्यू है तो वो भी जब भी सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो फिलहाल अभी मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुका है, तो थोड़ा रेस्ट भी बनता है। गाइस मिलते हैं कल एक नई मॉर्निंग के साथ, तो तब तक के लिए बाय।